चलाया मैंने। किसी के घर का तो वहाँ का थोड़ा फंक्शन वो था जो डिले हो गया, तो हम जल्दी वैष्णो देवी थोड़ी वीडियो आगे पीछे आ सकती है। और जो भी है यहाँ पे हम भल्ले खा रहे थे, नहीं जाना था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं मना कर रही थी, बार बार मना कर रही थी, फिर भी मुझे ये नहीं माने क्योंकि मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था। जैसे कोई कुछ बोल दे तो मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मैं जल्दी मतलब स्ट्रेस ले लेती हूँ, रोती रहती हूँ, रोती रही थी, फिर रात नहीं सोई थी, फिर ये बोलते नहीं तेरा मूड भी ठीक हो जाए। फैक्ट्री मतलब अभी नगोटा बाईपास से चले हुए हैं, अभी 11 किलोमीटर बहुत दूर है अभी। और खुशी की हालत थोड़ी खराब हो रखी है ना खुशू? सो अभी हम इधर पापा को मैंने पीछे कर दिया, मैं थक गई थी, और अभी हम ये यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छा है, भाई बेचारा जो सुबह से ड्राइव कर रहा है। अभी मिलते हैं जाके किधर कटरा। हाँ खुशी कहाँ पहुंचे? चलो करना नहीं, चलो चलो मम्मी चलिए 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 दीक्षा। तो अभी हम पहुंच गए हैं वैष्णो माता, साथ में मम्मी है। क्या बढ़िया था गुरु। देखो भीड़ कितनी है, चलो चलो जल्दी जल्दी करना मत छोड़ो। सो गाइस यहाँ पे जो है हम जा रहे थे अपना आईडी कार्ड लेने, जो कि एंट्री करवानी थी जो आर्मी एरिया में करवाई हमने, वहाँ पे होती है, तो पापा कार्ड लेके आए थे तो हम उधर करवाई। और उसके बाद काफ़ी बहुत रश था, इस बार बहुत रश था, मैं पहले भी जा चुकी हूँ जब शादी नहीं हुई थी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। और उसके बाद हम मतलब भाई बीच बीच में बुला रहा था, बोल रही थी उसको। खुशी देखो इधर, खुशी दीक्षा। तो हम पहुंच गए हैं फाइनली वैष्णो माता के मेन गेट पे बाहर से, वो देखो खुशी कैसे जा रही है, और साथ में मेरे कौन है देखो, ख्वाहिश की दुनिया, और एक और भी है। हेलो कर दो। हेलो भाई,
आज वही नहीं ले ओ, अभी मम्मी और बहन मेरी बैग चेक करा रहे हैं, अभी वो आए नहीं। खुशी खुशी जय माता दी। खुशी खुशी इधर देखो, हेलो करो। गुस्सा खुशी को गुस्सा है इस टाइम। ओ खुशी गुस्सा। देखो खुशी देखो कितनी ज्यादा भीड़ है माता के द्वार में, और लोग सारे आ रहे हैं अभी तक। देखो इधर इधर देखो, हेलो कर दो अब। सो गाइस यहाँ पे ये मैंगो खा रही थी, और यहाँ आप देखिएगा कि कैसे लोग घोड़ों पे या फिर ऐसे पालकी में जा रहे थे, मतलब अच्छे खासे होते हुए भी मतलब ऐसे जा रहे थे। इनका क्या फायदा जो मतलब हम देखो जरा, तो मेरे हिसाब से मेरे से भी चलाना चाहता हूँ। नहीं भाई मैं चल जाऊंगी, मैं भाई मैं मतलब एक दिन की जगह दो दिन लग जाए, पर मैं बोलो 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 तो यहाँ पे हम अर्धकुंवारी पहुंच गए थे, और मैं आते लेट गई थी, मैं सो गई थी, और मुझे इतना पेन हो रहा था, और ये उठा रहे थे, इन्होंने टिकट लेनी थी, वो चार दिन बाद उसके दर्शन होने थे अर्धकुंवारी में, मतलब गर्भजून में। हम वहाँ नहीं गए, तो काफ़ी देर बाद आधी रात को हम चल दिए फिर आगे मेन माता रानी की गुफा में दर्शन करने के लिए। और यहाँ इतना रश था भाई साहब, इतना रश कि पूछो मत। इतना यहाँ पे हमने माता रानी के दर्शन कर लिए थे, फिर हम भैरवनाथ जाने वाले थे, तो उससे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया। ये हमने खाना नहीं खाया हुआ था, तो हमने ब्रेकफास्ट किया और खुशी को दूध लिया, और ये मतलब हम कपड़े भी अच्छे क्योंकि तो हमने सब सही रहेगा, पर फिर भी थोड़ी बहुत ठंड थी वहाँ पे क्योंकि बारिश होने लगी थी। थे और खुशी हेलो गाइस कॉल बोलो खुशी हालत खराब है चल चल के थक गई है। बोलो हम जा रहे हैं भैरव मंदिर, मेरे पापा की मंदिर जा, अब मिलते हैं सीधा भैरव मंदिर। बोल खुशी बोलो बोलो जय माता दी। हेलो कर दे, हेलो कर दे। तो अभी हम भैरव बाबा से वापस जा रहे हैं, देखो कितनी भीड़ है। भैरव देव के मंदिर जाते टाइम तो हम पैदल गए थे क्योंकि टिकट के लिए बहुत लाइन लगी थी, तब तक तो हम पहुंच भी जाते। आते टाइम हम उड़न घटोला यानी केवल कार से आए थे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प हो गई थी, जल्दी से पहुंच गए थे, उनमें से चला भी जा रहा था, इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे में। और फिर आगे थोड़ा ये वीडियो इतनी ही थी, और आई होप आपको पसंद आई होगी, और माता रानी के लिए
एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमने अपनी छोटी सी मतलब रूटीन शेयर की है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।